Today we are going to discuss some topics, some sub-topics of SET. First topic of our discussion is subset. What is subset? Subset होता क्या है? एक example के through समझने की कोशिश करते हैं. Suppose मैं कहूँ एक set है A और वो किसका set है? A is set of students in my school. A is set of students in my school. ठीक है. अब एक और सेट लेते हैं, सेट बी. अब बी एक सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास. तो देखिए, ए एक सेट है, वो किसका सेट है? स्टूडेंट्स इन माय स्कूल. एंड बी एक सेट है, स्टूडेंट्स इन माय क्लास. तो अगर जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सारे तो सेम, सारे सेम नहीं है, लेकिन जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि क्लास के स्टूडेंट्स किस में आते हैं? स्कूल के स्टूडेंट अंदर ही आते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो, वो और क्या है? स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का. मैंने कहा ए एक सेट है स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, एंड बी एक सेट है स्टूडेंट्स इन माई क्लास. एक सेट है स्टूडेंट्स इन माई स्कूल एंड बी एक सेट है स्टूडेंट्स इन माई क्लास. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि बी इज सबसेट ऑफ ए. ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए? क्योंकि बी के, सेट बी के जितने भी मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो किस पे बिलोंग करते हैं? सेट ए पे. सारे मेंबर्स सेट ए के भी मेंबर्स हैं. तो इस बेसिस पे अगर हम सबसेट का डेफिनेशन लिखें तो सबसेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ सेट इज सेट टू बी सबसेट सबसेट का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? अ सेट इज सेट टू बी सबसेट If every element of set belongs to any other set. मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि a set B is said to be subset of set A. If every element of set B belongs to set A. मतलब एक set suppose A है, उसको हम set B का subset तभी बोलेंगे जब set A के सारे members किस में बिलोंग करते हो? सेट बी में. तब वो क्या कहलाएगा? सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा. सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं. हमें, हमारे पास एक सेट है सेट ए. इसके मेंबर्स हैं ए ई आई ओ एंड यू. दिस इज सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स. अब एक सेट और है हमारे पास बी और इसके मेंबर्स हैं ई एंड यू. ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ एंड यू. एक दूसरा सेट है बी जिसके मेंबर्स हैं ई एंड यू. यहाँ पे देखिए, ई और यू बी सेट के मेंबर्स हैं, लेकिन क्या है ई और यू? ई एंड यू ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए. यहाँ से हम बोल सकते हैं एंड ई एंड यू बिलोंग्स टू सेट बी. ई और यू ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए और सेट बी में दोनों में बिलोंग करते हैं. तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हम कैसे ले सकते हैं? सपोज ये एक सेट है ए, इसके मेंबर्स हैं ए ए ई आई ओ एंड यू. अब हमें दूसरा सेट बनाना है जिसके मेंबर्स क्या है? यू. तो हमने ये बना दिया, ये कौन सा सेट हो गया? सेट बी. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? ये सेट बी किसके, किस में बिलोंग करता है? सेट ए में बिलोंग करता है. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए. सेट बी इज सबसेट ऑफ ए. किसी भी सेट को एक दूसरे सेट का सबसेट तभी कहेंगे जब उस सेट के सारे मेंबर्स किसी दूसरे सेट पे बिलोंग करते हों. अब मैथ में ये इज सबसेट ऑफ अ सेट इतना ना लिख के क्या करते हैं, इसके लिए एक नोटेशन यूज करते हैं. कौन सा नोटेशन यूज करते हैं? ये वाला.
ये आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा कौन सा नोटेशन है, लाइक दिस। और इसको पढ़ते क्या है, इज सबसेट ऑफ। ठीक है, तो हम अगर सेट बी सेट ए का सबसेट है तो हम कैसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। और अगर बी ए का सबसेट है तो कैसे लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। जो भी सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा वो सेट सामने लिखेंगे और जिस सेट का सबसेट होगा वो सेट बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब सबसेट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। कहने का मतलब ये है कि हर सेट खुद का ही एक सबसेट होता है। कोई भी सेट है, सपोज सेट ए या सेट बी, तो हम उस सेट को उसका ओन सबसेट बोल सकते हैं। वो एक सेट ए है, वो सेट क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ सेट ए। हर सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। अगर एक सेट है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसका हम एक सबसेट बना सकते हैं जो क्या होगा, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जिसके सारे एलिमेंट ए ई आई ओ यू दोनों सेट पे बिलोंग करें। सेकेंड पॉइंट इज नल सेट इज या एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, जीरो होते हैं। तो एम्प्टी सेट को हर सेट का क्या लेते हैं, सबसेट लेके चलते हैं। सपोज एक सेट है ऑड नंबर्स बिलो 10, सपोज सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं ऑड नंबर्स बिलो 10, तो मेंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, तो ए का और दूसरा मेंबर हम ले, दूसरा सेट लेते हैं बी जिसके मेंबर्स हैं 3 एंड 5। ठीक है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। बी क्या है, ए का सबसेट है। पर हम और भी क्या बोल सकते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए। हमने ऐसा क्यों लिखा, फाई इज सबसेट ऑफ ए। फाई क्या है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, तीनों नाम से इसको बोलते हैं। फाई क्या है, एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट इज जीरो। अगर तो हम यहां से क्या लिखते हैं, ऐसा भी नोटेशन लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट को खाली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस सेट ऑफ, इसको पढ़ते क्या है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये याद रखिएगा, एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, जीरो होते हैं। और यहाँ पे लेकिन अगर मैं कहूँ कि फाई बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या ये सही होगा, मैंने यहाँ पे लिखा फाई इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज राइट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। पर फाई बिलोंग्स टू ए, फाई बिलोंग्स टू ए, ये भी नोटेशन सही है, ये नोटेशन राइट नहीं है, क्योंकि फाई बिलोंग्स टू ए कब बोलेंगे, जब फाई के जितने भी मेंबर्स हैं, फाई सेट में जितने भी मेंबर हैं, वो सेट ए के भी मेंबर होने चाहिए। और फाई सेट के मेंबर कितने होते हैं, जीरो, कोई भी मेंबर नहीं होता। लेकिन इस ए सेट में क्या मेंबर जीरो हैं, जीरो, एक अगर यहाँ पे जीरो रहता तो ये नोटेशन क्या होता, राइट होता। पर यहाँ पे जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई बिलोंग्स टू ए रॉन्ग है। ओके, ये नोट करके रखिएगा। थर्ड पॉइंट इज फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, सपोज सेट ए है और सेट बी है, दोनों के मेंबर्स अगर सेम हो, इसके भी मेंबर्स क्या हैं, ए ई आई ओ एंड यू, इसके भी मेंबर्स कितने हैं, ए ई
I-O-N-U. यहां से हम देख रहे हैं कि दोनों सेट के मेंबर्स क्या हैं, इक्वल, और मेंबर्स के हर मेंबर सेम है. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, इक्वल सेट हो गए दोनों. अब जब दोनों सेट इक्वल होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बिलोंग्स टू बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए. अगर दो सेट हैं, दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए. ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए. फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर तीन सबसेट्स हैं, ए बी एंड सी, तीन सेट लेते हैं ए बी सी, और ये तीनों सेट कैसे हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए एंड सी इज सबसेट ऑफ बी. तो ये दो नोटेशन से हम क्या ले सकते हैं, तीन सेट्स हैं ए बी और सी, बी कैसा है, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए एंड सी इज सबसेट ऑफ सेट बी. तो इन दो इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए. क्योंकि देखिए डायग्राम से देखते हैं, ये सेट ए है, उसके में कौन सा सबसेट बिलोंग कर रहा है, सेट बी. अब ये सेट बी है, उसके अंदर कौन सा सेट बिलोंग कर रहा है, सेट सी. तो देखिए, अगर ए का सबसेट है बी, बी का सबसेट है सी, तो सी क्या हो गया, ए का भी सबसेट हो जाएगा. तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए. तो ये समझ में आया कि सबसेट क्या होता है, सबसेट तब होगा जब किसी भी सेट के सारे मेंबर्स किसी दूसरे सेट के मेंबर्स से मैच करते हो, तभी क्या होगा, हम उस सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट बोलेंगे. फिफ्थ पॉइंट है, अगर दो सेट हैं ए और बी और दोनों इक्वल ना हो, जैसे हमने थर्ड पॉइंट में देखा दोनों सेट इक्वल थे, तो हम क्या लिखते थे, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए. अगर दोनों सेट इक्वल ना हो तो हम कैसे लिखेंगे, सपोज दो सेट हैं ए और बी, ए सेट के मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और दूसरा सेट लेते हैं बी, बी के मेंबर्स हैं 3 एंड 4. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए. पर हम क्या ये लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये तो रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों के मेंबर्स क्या हैं, अनइक्वल हैं. सेट ए में 1, 2 और 5 तीन एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, और सेट बी में दो मेंबर हैं 3 और 4 जो मेंबर सेट ए में भी बिलोंग करते हैं. तो यहां से हम लिखते हैं कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए बट ए इज नॉट इक्वल टू बी. दोनों सेट क्या है, इक्वल नहीं है. तो जब ऐसी कंडीशन होती है, दो सेट इक्वल ना हो, तो जो सेट सबसेट होता है उस सेट को क्या बोलते हैं, प्रॉपर सेट. याद रखिएगा, सेट बी को यहां पे क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट. जो सेट किसी दूसरे सेट पे बिलोंग करता है और जो एक और सेट दिया हो, वो उस सेट का मेंबर, उस सेट के सारे मेंबर्स दूसरे सेट के मेंबर्स ना हो, तो जो जो सेट दूसरे सेट पे बिलोंग करता है उस सेट को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट. और जिस सेट पे वो सेट बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट. यहाँ पे हम सेट ए को क्या बोलेंगे, सुपर सेट. सुपर सेट. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सेट ए क्या है, सुपर सेट, और सेट बी क्या है, प्रॉपर सेट. और यहां से हम और क्या बोल सकते हैं, सेट ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी. एक प्रॉपर सेट है सेट बी, और उसका सुपर सेट कौन है, सेट ए. तो यहां से हम बोल सकते हैं सेट ए इज सुपर सेट ऑफ, किसका सुपर सेट है, वो सेट बी का, जिसके मेंबर्स 3 और 4 है, जो सेट ए पे भी बिलोंग करते हैं, पर उस 3 और 4 को छोड़ के उसके और भी मेंबर्स हैं. तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट, और वो किसका सुपर सेट है, सेट बी का. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे. लेट अस सी द इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर. आर इज व्हाट, रियल नंबर. इंटरवल देखते हैं रियल नंबर्स का, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो सपोज हम टू नंबर्स लेते हैं ए एंड बी. ए एंड बी व्हाट बिलोंग्स टू, रियल नंबर.
और कैसा नंबर लिए हम, ए इज लेस देन बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी। ए और बी क्या है, ए क्या है, लेस देन बी है, बी से वो छोटा है। तो इंटरवल हम इसका कैसे लेंगे, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी। तो हम एक सेट लेते हैं एक्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, एक सेट है एक्स वेयर एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स कैसा है, लेस देन बी बट ग्रेटर देन ए। तो ये क्या हो गया, इंटरवल हो गया। ए और बीच के जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने उनके बीच के जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या होगा, एक्स पे बिलोंग करेंगे। तो इसको इंटरवल, इस इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स में वो हम देखते हैं। तो इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अवर क्लोज इंटरवल, सेकेंड इज ओपन इंटरवल, थर्ड इज ओपन क्लोज इंटरवल एंड फोर्थ इज क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, अगर ओपन इंटरवल में कोई भी नंबर्स को लेंगे तो हम उसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो क्या होगा, जिन दो नंबर्स के बीच में वो इंटरवल लेते हैं वो दो नंबर्स को छोड़ के उन दोनों को हम लोग को लेफ्ट कर देना है, और उसके उसको छोड़ के उनके बीच के उनके मिडल के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे सेट में। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, एक सेट है ए, ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स कैसा है, सेवन, वन टू सेवन, एक इंटरवल दिया हुआ है वन टू सेवन। तो यहाँ से ये है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि अगर कोई भी मेंबर है और दो इंटरवल दिए होंगे तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। ओके, तो क्या करेंगे हम ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, वन और सेवन को लेफ्ट करके उनके बीच के जितने सारे मेंबर्स होंगे उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको इस सेट ए में हम लेंगे। तो क्या होगा, वन और सेवन को लेफ्ट कर देंगे तो उसके मेंबर्स कहाँ से कहाँ तक मिल जाएंगे, टू टू सिक्स। तो सेट ए के मेंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ओपन इंटरवल को डिनोट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और ओपन इंटरवल को डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी उसके बाउंड्री नंबर्स होते हैं, जो भी इंटरवल के लास्ट के नंबर होते हैं जिनको हमको लेफ्ट करना हो वो नंबर्स लेते हैं और उनको क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ दिस सेट इज क्या हो जाएगा, वन कॉमा सेवन। ओके, तो ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, जो भी इंटरवल दिया हो उसको लेफ्ट करके उनके बीच के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेट के मेंबर्स हो जाएंगे। पर जब हम उस ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो क्वांटिटीज लेंगे जो हमको इंटरवल के बाउंड्री कंडीशन में दी होंगी जिनको हमको लेफ्ट करना हो, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो नंबर्स को चूज करेंगे। ओके, सेकेंड इज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होता है, दो नंबर्स दिए होंगे, दोनों कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जितने भी बाउंड्री कंडीशन दी हो, जो भी इंटरवल दिया हो उसको इंक्लूड करते हुए उनके बीच के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग बाउंड्री कंडीशन, सारे मेंबर्स क्या होंगे, उस सेट के मेंबर होंगे, तो वो इंटरवल क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल कहलाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बाउंड्री ऑफ एक्स इज वन टू सेवन। तो जब हम इसको क्लोज इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो ये वन टू सेवन सारे मेंबर्स क्या होंगे, इस सेट के मेंबर्स हो जाएंगे। तो ये मेन डिफरेंस है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, जो भी हमको बाउंड्री कंडीशन दी हो उसको लेफ्ट कर देना है, पर क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इंक्लूडिंग बाउंड्री कंडीशन हमको सारे मेंबर्स क्या हो जाएंगे, सेट के मेंबर्स हो जाएंगे। तो इस सेट के मेंबर कौन कौन हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स।
ओके, अब क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लेना है और इसमें क्या नंबर लेना है जो भी उसकी बाउंड्री कंडीशन दी हो। तो इसका क्लोज इंटरवल अगर हम लेंगे इस सेट का क्लोज इंटरवल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1/7, और ब्रैकेट कौन सा चूज करना है, ये वाला ब्रैकेट लेना है, और ओपन इंटरवल में कौन सा ब्रैकेट लेना है, स्मॉल ब्रैकेट लेना है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल में क्या होता है, फर्स्ट वाला साइड ओपन होता है और सेकेंड वाला जो बाउंड्री कंडीशन होता है वो क्लोज होता है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट अगर सपोज यही क्वेश्चन है और इसको ओपन क्लोज इंटरवल में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेट दिया हुआ है, सेट ए, एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 1 and 7, तो हम इसको ओपन एंड क्लोज्ड इस इंटरवल में लेंगे। तो ओपन में क्या करते हैं, उसको एक्सक्लूड करते हैं, और क्लोज इंटरवल में भी क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे ओपन फर्स्ट है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को एक्सक्लूड कर देंगे। ओपन में एक्सक्लूड करते तो हम फर्स्ट उसका जो बाउंड्री कंडीशन उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, और उसके बाद है क्लोज, तो उसका जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन उसको क्या करेंगे, इस सेट के ऐसा मेंबर लेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे इस सेट में। तो इस सेट के मेंबर क्या हो जाएंगे, सेट ए के 2, 3, 4, 5 and 6 and 7। 1 बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। तो ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है, उसके जो दो बाउंड्री कंडीशन दी हो कि उनके बीच के हमको मेंबर्स लेने हैं, तो जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दिया होगा उसको एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि वो ओपन टाइप है, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो क्लोज टाइप है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लोग जान रहे हैं ओपन इंटरवल को ऐसे इस वाले ब्रैकेट से इंक्लूड रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट से इंक्लूड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ओपन क्लोज है तो ओपन साइड को इस वाले ब्रैकेट से एंड क्लोज साइड को दिस ब्रैकेट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके मेंबर क्या हो जाएंगे, 1 and 7। तो यहाँ से हमको देख के ही पता चल जाएगा ये साइड ओपन है, मतलब 1 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, 2 से हमको मेंबर्स लेने हैं, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल का साइन है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है 7 को क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब फोर्थ टाइप है क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल क्या है, जस्ट ओपन क्लोज इंटरवल का अपोजिट है। क्लोज ओपन इंटरवल क्या है, में क्या होता है, फर्स्ट वाला साइड क्या है, क्लोज्ड है, मतलब फर्स्ट वाले जो बाउंड्री कंडीशन होगा उसको इंक्लूड करेंगे, और सेकेंड साइड ओपन है, मतलब सेकेंड को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 1 and 7। तो फर्स्ट साइड क्या है, इसका क्लोज है, मतलब हम क्या करेंगे, 1 जब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस साइड को इंक्लूड करेंगे, और सेकेंड साइड क्लोज है तो हम क्या कर देंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये इसके सेट के मेंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट साइड इज क्लोज एंड सेकेंड साइड इज ओपन, और इसके मेंबर्स हो जाएंगे 1 and 7। तो ये था इंटरवल ऑफ सेट। इंटरवल ऑफ सेट क्या क्या होते हैं, ओपन क्लोज, थर्ड इज ओपन क्लोज एंड फोर्थ इज क्लोज ओपन। तो ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसमें क्या करते हैं, ये सब क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है कि एक अगर कोई सा सेट दिया हुआ हो उसके जितने सारे भी सबसेट बनेंगे तो वो उसका उस सेट उन सारे सबसेट्स को उस सेट का क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। अगर एक सेट दिया हुआ है जिसके मेंबर है 1 and 2 तो उसके पावर सेट क्या क्या हो जाएंगे, एक सेट बना लेंगे हम 1, सेकेंड सेट बना लेंगे इसके मेंबर सिर्फ होगा 2, थर्ड बनाएंगे इसके मेंबर्स होंगे 1 and 2 एंड फोर्थ क्या बनेगा, नल सेट।
नल सेट हमको पता है कि हर सेट का सबसेट होता है नल सेट, तो हमको नल सेट को हर सेट में क्या, हर पावर सेट में क्या करना है, लेना है। तो इसका एक डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। एक कोई भी सेट है उसके जितने सबसेट, सारे सबसेट्स का जितना भी कलेक्शन बनाएंगे तो जितने सारे सबसेट्स बनेंगे उन सारे सबसेट्स को उस सेट का क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, एक सेट दिया हुआ है ए जिसके मेंबर है 1 और 3 और इसका हमको क्या बनाने के लिए कहा गया, पावर सेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सेट का सबसेट्स क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट सबसेट इसका हम लोग ले सकते हैं जिसका मेंबर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। सपोज एक सेट बी बनाएंगे और उस सेट का मेंबर होगा सिर्फ 1, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, बी सबसेट ऑफ सेट ए। एक सेट अगर हम लोग सी बनाएं जिसका मेंबर क्या होगा, ओनली 3, तो ये भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ से सी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 3 इसमें भी बिलोंग कर रहा है, सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है। अब एक सेट बनाएं डी जिसके मेंबर होंगे 1 और 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी और ए दोनों इक्वल सेट्स है एंड डी बिलोंग, डी सबसेट ऑफ ए, या कहें ए इज सबसेट ऑफ डी। और फोर्थ बनेगा 5, 5 इज व्हाट, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो अगर हम यहाँ से पावर सेट देखें, सेट ए का पावर सेट, तो क्या क्या हो जाएगा, 1, 3, 1 और 3 और 5। पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं, तो पावर सेट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, 1, then 3, then 1, 3 and 5। तो पावर सेट जितने भी किसी सेट के जितने सारे सबसेट्स होते हैं उसको उसका क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, कोई सा एक सेट है ए और इस सेट के मेंबर हैं 1, 2 और 3, तो इस सेट के हम कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं, तो बनाते हैं। तो फर्स्ट इसका सबसेट क्या बनेगा, 1, सेकंड क्या बनेगा जिसके मेंबर होगा सिर्फ 2, थर्ड सबसेट बनेगा जिसका मेंबर होगा 3, फोर्थ क्या बना सकते हैं जिसके मेंबर होंगे 1 और 2, देन एक सबसेट जिसका मेंबर होंगे 2 और 3, देन 1 और 3, एक सबसेट बनेगा जिसके मेंबर होंगे 3, और एक क्या बनेगा 5, क्या है, नल सेट। तो एक सेट है ए जिसके मेंबर है 1, 2 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट उस सेट के हम कितने बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 3 मेंबर थे और हमने टोटल सबसेट बनाया, तो टोटल कितने सबसेट्स बने, 8। तो इसके पावर सेट जब हम निकालेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए, तो उसमें सारे मेंबर्स क्या हो जाएंगे, ये सारे 8 सबसेट्स उसमें बिलोंग करेंगे और वो उसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो ये क्लियर है पावर सेट क्या होता है। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, नेक्स्ट सेट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट थ्योरी की डिस्कशन में एक ऐसे सेट की जरूरत पड़ी जिसमें दिए हुए सेट के सारे मेंबर्स हों, चाहे हमें 3-4 सेट क्यों ना दिए हों, सारे मेंबर्स उस सेट के मेंबर्स हो, तो वो सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यूनिवर्सल सेट में अगर कोई भी सेट हमको दिया हुआ हो, चाहे 5-6 सेट दिए हों, जितने भी सेट दिए हों, तो उन सभी सेट्स के जितने भी मेंबर्स हों, सारे मेंबर्स जिस सेट में बिलोंग करते हैं, सारे सेट्स के सारे मेंबर्स जिन सेट में बिलोंग करते हैं, वो सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और दूसरे टाइप से डेफिनेशन देखें तो यूनिवर्सल सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सुपर सेट है जो हम जितने भी सेट कंसिडरेशन के लिए चूज किए हैं उन सभी सेट्स के सारे मेंबर उन सुपर सेट के सबसेट हो। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ
ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन. जितने भी कंसिडरेशन के लिए हमने सेट्स लिए हैं उन सभी सेट्स के सारे मेंबर्स जिन सेट में बिलोंग करते हैं वो सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है. जैसे कि हमारे पास सेट है, सेट एक सेट है सेट ई, जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3. एक दूसरा सेट हम लेते हैं बी, जिसके मेंबर हो जाएंगे 0, 4, 5 एंड 6. एक थर्ड सेट लेते हैं सी, जिसके मेंबर हो जाएंगे 7, 8, 1. तीन सेट्स हैं. सेट ए, सेट ए के मेंबर है 1, 2, 3. सेकेंड सेट लेते हैं सेट बी, सेट बी के मेंबर है 0, 4, 5 एंड 6. सेट सी लेते हैं जिसके मेंबर है 7, 8 एंड 1. तो इसका जब हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, इन सेट के सारे मेंबर्स उस सेट में होते हैं. तो वो यूनिवर्सल सेट जब हम इस सेट का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 8. 1 यहाँ पे फिर से दिया हुआ है और 1 हमने इस सेट का मेंबर एक बार चूज कर लिया है तो दोबारा चूज नहीं करना है. तो इस सेट के यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 5, 6, 7 एंड 8. तो यहाँ से देख रहे हैं कि इन तीनों सेट्स के जितने भी मेंबर हैं वो सारे इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं. तो ये सेट इन सेट्स का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं यू से या फिर एस से डिनोट करते हैं. तो इस यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. लेट अस डू द एक्सरसाइज पोर्शन. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज नंबर 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल इज सबसेट्स ऑफ और इट्स नॉट सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेस. ब्लैंक स्पेस में हमको सबसेट, इज सबसेट एंड इज नॉट सबसेट का साइन पुट करना है. कुछ कंडीशंस दी हुई हैं. फर्स्ट कंडीशन इज सेट, देयर इज वन सेट होज मेंबर्स आर 2, 3 एंड 4. देयर इज अनदर सेट होज मेंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो यहाँ से देख रहे हैं हम 2, 3, 4, इस सेट के मेंबर्स 2, 3, 4 इस सेट में बिलोंग करते हैं. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट. यहाँ पे हम कौन सा साइन पुट करेंगे, सबसेट ऑफ, क्योंकि 2, 3, 4 जो मेंबर्स हैं वो इस सेट में भी बिलोंग कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, इस सेट का सबसेट हो जाएगा. ठीक है. सेकंड कंडीशन देखिए, ए बी सी एंड दे आर बी सी डी. बी सी डी, बी और सी इस सेट में के भी मेंबर्स हैं, बी और सी इस सेट के भी मेंबर्स हैं. पर कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है, जब सारे मेंबर दूसरे सेट पे बिलोंग करें. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है. तो यहाँ हम कौन सा साइन पुट करेंगे, इज नॉट सबसेट ऑफ. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज एक्स इज स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास इन योर स्कूल एंड सेकेंड सेट इज एक्स इज स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल. दो कंडीशन दी हुई हैं, दो सेट दिए हुए हैं. एक सेट है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 11th क्लास और दूसरा सेट है सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सेट. तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. हम यहाँ पे कौन सा साइन पुट करेंगे, इस सबसेट ऑफ. क्यों होगा, क्योंकि 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी क्या है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स का सेट है वो टोटल स्कूल के स्टूडेंट्स का जो सेट है उसका क्या होगा, सबसेट हो जाएगा. अब फोर्थ देखिए, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन. एक सेट है एक्स जो किसका सेट है, सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन पे सर्कल का. और दूसरा सेट दिया हुआ है एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. सेम प्लेन पर एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट. पर हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि हमने यहाँ पे जो सेट सर्कल बनाया हुआ है उसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है. ये 1 से स्मॉल भी हो सकता है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है. अगर यहाँ पे दिया होता सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस 3 यूनिट
तो अगर इसका रेडियस 3 यूनिट होता, इसका रेडियस 1 यूनिट होता, तो भी हम क्या बोलते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका सबसेट है तो क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो से स्मॉल होगा। ओके, फोर्थ फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। एक सेट है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द प्लेन, एक ट्रायंगल एक प्लेन पे ट्रायंगल्स का सेट। सेकंड सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, तो क्या ट्रायंगल का सेट रेक्टेंगल के सेट का सबसेट होगा? ट्रायंगल का सेट और रेक्टेंगल दोनों तो डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। सिक्स कंडीशन देखते हैं, एक्स वेयर एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स एक सेट है, कैसा सेट, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एक सेट एक प्लेन पे, और वाई एक सेट है, सेट ऑफ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, सारे ट्रायंगल्स का सेट। ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो सारे ट्रायंगल्स का सेट है। सपोज ये वाला ये बी सेट है और ये ए सेट है, एक सेट है ए, जो किसका सिर्फ किसका सेट है, ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट है वो सबसेट है, सबसेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे सेट का, सारे ट्रायंगल्स का जो सेट है उस सेट का वो क्या है, सबसेट। सिक्स सेवन कंडीशन है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है, और एक दूसरा सेट है जिस जो क्या है, एन इंटीजर, इंटीजर का सेट, और इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, सारे नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव, सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इवन नेचुरल नंबर होंगे वो इंटीजर में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है वो इंटीजर्स के सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये हो गया कि हमने पता लगा लिया कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिनमें हमको ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक सेट है ए बी और हमें कंडीशन दी हुई है इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी सी ए। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट होंगे ए और बी वो क्या है, इस सेट के भी एलिमेंट हैं। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, पर यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, उल्टी दी हुई है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं ए एंड ई, एक दूसरा सेट है जिसके जो किसका सेट है, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का सेट। तो इस सेट के मेंबर क्या हो जाएंगे, ए ई आई ओ एंड यू। तो यहाँ से ए ई ये सेट, इस सेट के मेंबर उस सेट पे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या है, ये राइट है। तो ये इस कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन इज, एक सेट दिया हुआ है जिसके मेंबर है 1, 2, 3, एक दूसरा सेट दिया हुआ है जिसके मेंबर है 1, 3, 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेंबर है 5 जो इस सेट का मेंबर नहीं है, और यहाँ पे एक मेंबर है 2 जो इस सेट का मेंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट नहीं होगा, और यहाँ पे कंडीशन ये दी हुई है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब फोर्थ कंडीशन देखिए, एक सेट है जिसका मेंबर है केवल ए और दूसरा सेट है जिसके मेंबर है ए बी सी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट होज मेंबर्स आर ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन इज ट्रू। फिफ्थ कंडीशन इज, एक सेट है ए और यहाँ पे दिया हुआ है इस सबसेट ऑफ की जगह पे क्या दिया हुआ है, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम किसी भी मेंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मतलब वो क्या होता है, एक सेट बन जाता है। तो अगर हम इसको ऐसा लिखे बिलोंग्स टू, तो ये क्या होगा, कभी भी ट्रू नहीं होगा। अगर हम इस सेट को कैसे, अगर ऐसा लिखते ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, तो ये क्या होता, कंडीशन ट्रू होता, राइट होता, क्योंकि सेट ए, मेंबर ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, ए मेंबर इस सेट पे बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम इस ए को ब्रैकेट के
अंदर लिखें। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक सेट बन गया। अब इस ये वाला पूरा सेट इस सेट पे बिलोंग नहीं करता। अगर ये सेट ऐसा होता ये, तब क्या होती, ये कंडीशन भी ट्रू होती कि सेट ए इस सेट के अंदर क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें ब्रैकेट के अंदर है, जिसका मतलब हो गया कि एक सेट है जिसका मेंबर है ए और वो सेट इस सेट पे बिलोंग कर रहा है। तो ये मेंबर तो बिलोंग कर रहा है पर ये पूरा सेट क्या है, इस पे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, सिक्स। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स क्या क्या हो जाएंगे, टू एंड फोर। इस सेट का अगर हम मेंबर बनाए तो कौन कौन मेंबर होंगे, टू एंड फोर। लेस देन सिक्स लेना है तो हम सिक्स नहीं लेंगे। अब दूसरा सेट है, एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसा नेचुरल नंबर का सेट जो 36 को डिवाइड करे, वो क्या क्या हो जाएंगे, 2, 4, 3, 6, 9, 12 और भी। तो इस सेट के मेंबर्स हैं 2, 4, 6। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 और 4 जो इस सेट के मेंबर हैं वो क्या है, इस सेट पे बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कंडीशन जो दिया हुआ है, इस सबसेट ऑफ ये क्या है, ट्रू है। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमको सिंपली बताना था ट्रू और फॉल्स। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 सेट 3, 4 एंड 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। कुछ कंडीशन, एक सेट दिया हुआ है ए जिसके मेंबर हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें ये बताना है कि इनमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं जिनके बेसिस पे हमको ये बताना है कि वो कंडीशन इनकरेक्ट है कि नहीं, और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेट 3 एंड 4 इज सबसेट ऑफ ए। सेट 3 एंड 4 इज सबसेट ऑफ सेट ए। हमें ये बताना है कि ये कंडीशन करेक्ट है कि नहीं। तो आप बताइए ये करेक्ट है कि नहीं। ये सिंपली अगर हम देखें तो हमको ये कंडीशन क्या दिखेगी, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 3 एंड 4 जो किस पे बिलोंग कर रहा है, सेट ए पे। तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है, करेक्ट है। पर क्या सच में ये कंडीशन करेक्ट है, ये कंडीशन क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि कोई भी सेट, किसी सेट का सबसेट कब होता है, जब इस सेट के मेंबर, जिस सेट का हम सबसेट लेंगे मतलब सुपर सेट, उस सेट के भी मेंबर हो। तो क्या ये थ्री और फोर जो इस सेट के मेंबर है, इस सेट के मेंबर हैं, नहीं है, क्योंकि ये अलग से सेट है जिसके मेंबर है 3, 4। पर इस सेट के मेंबर देखे तो क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 5 और अलग से एक सेट है क्या, 3 एंड 4। तो यहाँ से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 3 और 4 जो सेट दिस सेट पे बिलोंग कर रहा है, इस सेट पे, वो क्या है, सेट ए पे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, 3 एंड 4 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये कंडीशन क्या है, राइट है, क्योंकि सेट एक सेट है 3 और 4, जैसे हमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ये एक सेट है 3 और 4 टोटल होल सेट, पूरा सेट क्या है, इस सेट पे बिलोंग कर रहा है, उसके उसका एक मेंबर है, वो पूरा सेट उसका एक मेंबर है। तो ये क्या है, सेट ए पे बिलोंग कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, डिफरेंस समझिएगा सारे क्वेश्चंस में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, एक सेट 3 और 4 और हमें पूछा था कि वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो हमने सबसेट है कि नहीं, तो हमने कहा रॉन्ग, क्योंकि इसका एक उसके मेंबर्स नहीं है। फिर हमें दिया गया कंडीशन कि वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो हमने कहा राइट, क्योंकि वो सेट ए पे बिलोंग कर रहा है। थर्ड कंडीशन दिया हुआ है, एक सबसेट है, क्योंकि ये एक सेट है और ये हमने सेकेंड ब्रैकेट लगाया, उसका मतलब क्या हो गया कि वो उस सेट का सबसेट है, और सबसेट क्या कर रहा है, उस पे बिलोंग कर रहा है, इस सबसेट ऑफ। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, क्योंकि वो उसका सबसेट है, उसमें बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर है। एक कंडीशन दिया हुआ है, 1 बिलोंग्स टू ए,
तो ये कंडीशन तो हमको देखते साथ ही बोल सकते हैं राइट है, क्योंकि वन एक मेंबर है सेट ए का, तो ये कंडीशन राइट ही है। अब से फिर देखते हैं, वन इज सबसेट ऑफ सेट ए, वन इज सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये हम देखते साथ ही क्या बोलेंगे, रॉन्ग कंडीशन है, क्योंकि वन उसका एक सबसेट नहीं है, वो उसका क्या है, एक मेंबर है। वन सेट ए का मेंबर है, वो उसका सबसेट नहीं है, इसीलिए जब आया कंडीशन वन बिलोंग्स टू ए तो हमने उसको राइट किया और वन इज सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर दिया हुआ है 1, 2, 5, belongs to A, तो ये 1, 2, 5 is subset of set A, हम इसको राइट बोल सकते हैं, राइट ही बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इसके सारे सबसेट्स बनाएं तो उस पर एक सबसेट होगा ये, तो ये कंडीशन क्या है, राइट है। अगर इसको विदाउट ब्रैकेट लिखते और अगर हमें ये कंडीशन दी होती तो वो क्या होता, रॉन्ग होता, क्योंकि जब तक ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या होगा, उसका सबसेट नहीं होगा। फिर दिया हुआ है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, देखने से सिंपल हम बोलते हैं कि ये कंडीशन राइट है, क्योंकि 1, 2, 5 मेंबर्स सेट ए पे बिलोंग करते हैं। पर आप एक बात याद रखिएगा, अगर हमें बताना है बिलोंग्स टू तो हम उसको कैसे लिखते हैं, विदाउट ब्रैकेट, पर हमें बताना हो इस सबसेट ऑफ तो उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट पे लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया गया, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अगर ये लिखा होता 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, ये क्या होता, राइट होता, क्योंकि वहाँ से हमको पता चल रहा है कि 1, 2 और 5 तीन मेंबर्स हैं जो क्या है, सेट ए पे बिलोंग कर रहे हैं। पर यहाँ ऐसा लिखने से मतलब हो गया कि वो एक पूरा सेट है 1, 2, 5 का, जो क्या है, सेट ए पे अलग से बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ सेट ए, ये कंडीशन तो देखते साथ ही रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि 3 उसका मेंबर नहीं है, 3 और 4 एक अलग सबसेट है, तो ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज रॉन्ग। नेक्स्ट कंडीशन है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इज व्हाट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट उस पर बिलोंग कर रहा है कि नहीं, हमको पता है कि एम्प्टी सेट सारे सेट्स का सबसेट होता है, पर एम्प्टी सेट क्या उस पर बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। कब हम बोलते हैं कि एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा है, जब इस सेट ए का एक मेंबर होता 0, अगर इस सेट का एक मेंबर 0 होता तो हम बोलते कि एम्प्टी सेट उस पर बिलोंग कर रहा है, पर हमें पता है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए, ये कंडीशन राइट है, पर एम्प्टी सेट इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब नालास दिया हुआ है एक सेट, एम्प्टी सेट जो सबसेट है सेट ए का, तो ये एक सबसेट नहीं होता, एम्प्टी सेट एक सिंपल मेंबर होता है, तो ये कंडीशन भी क्या है, रॉन्ग, दिस कंडीशन इज ओनली राइट। तो ये हमने बताया कि कौन सा कंडीशन इनकरेक्ट है और क्यों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, कुछ सेट दिए हुए हैं जिनका हमको क्या बनाना है, सबसेट बनाना है, इसका हमको सबसेट बनाना है, कितने सबसेट्स इसके बन सकते हैं। तो फर्स्ट सबसेट तो ये खुद है, सेकंड क्या बनेगा इसका सबसेट, 5, क्योंकि 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट सारे सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर हम एम्प्टी सेट को ब्रैकेट में लिखें तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। सेकंड दिया हुआ है ए एंड बी, तो इसके जब सबसेट बनाएंगे तो क्या होगा, एक सबसेट होगा ए जिसपे केवल सिर्फ मेंबर ए बिलोंग करेगा, सेकंड सबसेट हम बना सकते हैं जिसमें केवल मेंबर बी बिलोंग करेगा, थर्ड सेट जिसमें दोनों मेंबर्स बिलोंग करेंगे, एंड फोर्थ इज 5 मतलब एम्प्टी सेट। तो ये हो गया सेट, एक सेट दिया हुआ था ए बी और उसके सारे सबसेट्स। थर्ड कंडीशन दी हुई है 1, 2, 3, इसके सबसेट्स बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सिंगल डिजिट से स्टार्ट करते हैं, तो इसका सबसेट फर्स्ट हो जाएगा 1, then 2, then 3, then 1, 2 एक सबसेट हो जाएगा,
2, 3, 3, 1, देन एक सेट बनेगा जिसमें तीनों मेंबर्स बिलोंग करेंगे, लास्ट इज एम्प्टी सेट। फिर दिया हुआ है 5 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सबसेट क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट ही होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द इंटरवल्स। कुछ कंडीशंस दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में जिनके हमको इंटरवल बताने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज x, वेयर x इज रियल नंबर, एंड कंडीशन फॉर x इज बिटवीन -4 and +6। तो x एक रियल नंबर है जिसका इंटरवल बनाना है। तो इंटरवल में हमने पढ़ा इंटरवल 4 टाइप्स के होते हैं, ओपन क्लोज, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, थर्ड इज ओपन क्लोज टाइप एंड फोर्थ इज क्लोज ओपन टाइप। तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये कौन सा टाइप है, तो वो हमें पता चलता है दिस साइन, बाय दिस साइन। जब लेस देन का साइन यूज होता है तो हमको इसका मतलब होता है कि हमको उसके पहले वाले टर्म को या बाद वाले टर्म को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। और अगर साइन यूज हुआ है लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब होता है उसके पहले वाले टर्म या बाद वाले टर्म को हमको इंक्लूड करना है। तो जब एक्सक्लूड करते हैं तो ये कौन सा टाइप होता है इंटरवल का, ओपन टाइप। और कौन सा हम ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन जब इंक्लूड करना है तो वो कौन सा टाइप होता है, क्लोज टाइप। और उसमें कौन सा ब्रैकेट यूज करता है, दिस ब्रैकेट। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, -4 and 6। और ये कौन सा टाइप हो गया इंटरवल का, ओपन क्लोज टाइप। इंटरवल का टाइप कौन सा हो जाएगा, ओपन क्लोज टाइप। सेकेंड देखते हैं x, वेयर x इज रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ x बिटवीन -12 and -10। तो इसके जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से हमको दिख रहा है जो दोनों कैसे हैं, एक्सक्लूडिंग है। तो हम कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, ओपन इंटरवल। और इसके मेंबर कौन कौन हो जाएंगे, -12 and -10। मतलब -12 -10 के बीच में जितने भी 11 है उनको लेना है और एक्सक्लूडिंग -12 and -10। थर्ड है x, वेयर x इज रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 and 7। पर यहाँ पे साइन यूज हुआ है लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, या ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल, देन ओपन इंटरवल। और इसका इंटरवल हो गया 0 to 7। इसका मतलब ये है हमको 0 को इंक्लूड करना है बस, 7 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। फोर्थ कंडीशन है इंटरवल बिटवीन 3 and 4। और दोनों कैसे दिए हुए हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम इसका इंटरवल बनाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्लूडिंग। हमको एक 3 और 4 के बीच जितने नंबर से उनको इंक्लूड करते हुए लेना है। तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, दिस टाइप इज क्लोज टाइप, दिस टाइप इज क्लोज ओपन टाइप, दिस इज ओपन टाइप एंड दिस इज ओपन क्लोज टाइप इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं जिनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट कंडीशन इज -3 and 0। तो हम क्या करेंगे, x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कंडीशन क्या दी हुई है, x इज लेस देन 3, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 0। और हमने यहाँ पे लेस देन का साइन यूज किया, लेस देन एंड इक्वल टू साइन यूज नहीं किया, क्योंकि ये कौन सा टाइप है इंटरवल का, ओपन इंटरवल टाइप है। और ओपन इंटरवल टाइप में ओनली लेस देन साइन का यूज करते हैं। सेकेंड कंडीशन दी हुई है 6 and 12। और ये कैसे, कौन से इंटरवल का टाइप है, क्लोज इंटरवल। तो हम कैसे लिखेंगे, x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वैल्यू इज बिटवीन 6 and 12। दोनों कैसे हैं, इंक्लूडिंग। हमें दोनों क्लोज में क्या होता है, दोनों इंटरवल को इंक्लूड करना होता है। तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। थर्ड कंडीशन दी हुई है 6 and 12। दिस साइड इज दिस टाइप एंड दिस साइड इज दिस टाइप, 6 and 12। तो ये क्या हो जाएगा, x, वेयर x belongs to natural number and value of x is between 6 and 12। और वो कैसी है, 6 को एक्सक्लूड करना है ओपन इंटरवल टाइप एंड 12 को इंक्लूड करना है, दिस इज क्लोज इंटरवल टाइप। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कंडीशन है -23 and 5।
यहाँ से हमको पता चल रहा है -23 इंक्लूड करना है और 5 एक्सक्लूड करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा हो जाएगा, x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये कैसा है इंक्लूडिंग 12 बट एक्सक्लूडिंग 5, दिस टाइप इज क्लोज ओपन इंटरवल टाइप। तो ये हो गया कि इंटरवल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो कंडीशन दी हुई हैं और उनमें हमको ये बताना है कि हम कौन सा यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए हम कौन से यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ट्रायंगल का टाइप है, अगर हम सारे ट्रायंगल्स के एक सेट बनाएंगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उस यूनिवर्सल सेट में वो राइट एंगल ट्रायंगल भी बिलोंग करेगा। सेकंड कंडीशन है सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इसके लिए भी जब हम एक सेट बनाएंगे सारे ट्रायंगल्स का, सेट ऑफ होल ट्रायंगल्स, और एक सेट बनाएंगे सेट ऑफ पॉलीगॉन्स का भी जब सेट बनाएंगे तो उस पे भी क्या होगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बिलोंग करेगा। नाइन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 135, बी इज 246 एंड सी इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, विच ऑफ फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ द 3 सेट्स। तीन सेट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेट इज सेट ए जिसके मेंबर है 1, 3 एंड 5, दूसरा सेट है बी जिसके मेंबर है 2, 4 एंड 6, थर्ड सेट इज सी इसके मेंबर है 0, 2, 4, 6 एंड 8। इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे करते हैं, यू से। कुछ कंडीशंस दी हुई है तो सबसे पहले हम इसका यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिनमें दिए हुए जो जितने भी सेट हैं उसके सारे मेंबर्स बिलोंग करें। तो हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस सेट के मेंबर थे 1, 3, 5, 1, 3, 5, इस सेट के मेंबर थे 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6, सेट के मेंबर से 0, 0, then 2, then 4, 6 एंड 8, सारे मेंबर्स क्या हैं इस पे बिलोंग कर रहे हैं, 7 नहीं है। तो ये क्या हो गया, इस सेट का क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। अब हम मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो उसमें क्या है, 8 नहीं है, 8 मिसिंग है। सेकंड देखें तो वो सिंपल एम्प्टी सेट है। थर्ड में क्या है, सारे नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस सेट का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन में क्या है, 0 इंक्लूड नहीं है, जबकि सेट सी में क्या है, इसका एक मेंबर क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.3।